श्री संपत नाथ सिंह जी, सुभाष जी पालीवाल, श्रीमती रतन देवी जाट, श्रीमती सोहनी देवी गुर्जर, श्री मोहन जी कुमावत, श्री जवाहर जी जाट, श्रीमती सविता जी सनाड्य, अरविंद सिंह जी राठौर, श्री सुरेश जी कुमावत, श्री सुरेश जी पालीवाल, मांगीलाल जी कुमावत, और इस स्थान पर मौजूद मेरे राज समंदर के सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, लंबे समय के बाद राज समंदर में किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ हूं। जहां तक मुझे याद है, इसके पहले भी दो बार राज समंद की सार्वजनिक सभाओं को मैं संबोधित कर चुका हूं, जब श्रीमती किरण माहेश्वरी जी चुनाव लड़ रही थी। यह विडंबना है कि आज तीसरी बार जब मैं सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ हूं तो हमारे बीच नहीं है। लेकिन आज उन्हीं की बेटी, जिसको पहली बार बोलते हुए मैंने सुना है, दीप्ति किरण माहेश्वरी, मैं दीप्ति किरण को सुनने के बाद पूरी तरह से आश्वस्त हो गया। श्रीमती किरण माहेश्वरी किस राज समंदर के प्रति जो लगाव था, जो राज समंदर के विकास के प्रति उनके मन में एक तड़पन थी, उसको पूरा करने का काम यदि कोई कर सकता है तो वह दीप्ति किरण माहेश्वरी कर सकती है। इस बेटी के अंदर मैंने वो प्रतिभा भी देखी है, क्षमता भी देखी है, संयम भी देखा है, और जैसी शालीनता मैंने श्रीमती किरण माहेश्वरी में देखी थी, वही शालीनता मुझे दीप्ति में भी देखने को मिली है। बहनों भाइयों, यहां तक मेवाड़ का प्रश्न है, मेवाड़ की धरती है तो वीरों की धरती है और वीरांगनाओं की यह धरती है, और यह मेरा सौभाग्य रहा है कि मेवाड़ की धरती पर बराबर मुझे आने का अवसर मिला है। हमसे कोई यह पूछता है कि राजस्थान की पहचान क्या है, तो मैं कहता हूं इस राजस्थान की पहचान है, राजस्थान को यदि किसी को पहचानना है तो राणा की शक्ति से पहचान सकता है, मीरा की भक्ति से पहचान सकता है, पन्ना धाय की युक्ति से पहचान सकता है, और भामाशाह की संपत्ति से पहचान सकता है कि यह राजस्थान की धरती कैसी है। 2018 में राजस्थान विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसके पहले श्रीमती वसुंधरा राजे जी यहाँ की मुख्यमंत्री थी, उनके नेतृत्व में सरकार ने बखूबी काम किया था। जनता जनता होती है, उन्होंने कहा कि एक बार नया प्रयोग करना चाहिए, और वसुंधरा जी की जगह कांग्रेस की सरकार उन्होंने बना दी और गहलोत साहब मुख्यमंत्री बनकर आ गए। जनता के हर फैसले का स्वागत स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में, हेल्दी डेमोक्रेसी में किया जाना चाहिए, और हम लोगों ने किया भी, सबने उसका स्वागत किया। लेकिन 5 वर्षों के कार्यकाल में आपने स्वयं ही महसूस किया होगा किन लोगों ने चुनाव के समय जो वादे किए थे, किस हद तक अपने वादों को पूरा किया है। बहनों भाइयों, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई संगठन हो अथवा कोई सरकार हो, ऐसी होनी चाहिए कि जो कहे उसे करे, उसके कृति और कथन में, कहने और करने में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूं राजस्थान की सबसे बड़ी पूंजी है तो यही है
लेकिन कांग्रेस ने जो कुछ भी कहा था किस हद तक उसे अपने वादों को पूरा किया है यह मैं नहीं कहना चाहता, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। भारत की राजनीति में नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे समाप्त तो होता चला गया और विश्वास का संकट भारत की राजनीति में गहरा किया है इस कांग्रेस पार्टी ने। भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में किसी शख्स ने स्वीकार किया है, उस शख्स का नाम है नरेंद्र मोदी। उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी और मैं जिस समय 2014 का चुनाव चल रहा था मैं ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था प्राय। तो भी आप सुन रहे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जो कि अपना संबोधन दे रहे थे। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।